पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास भारत ने चीन की हरकतों का उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया, जिसके तहत भारतीय वायुसेना उसके लड़ाकू विमानों को एलएसी के आसपास फटकने तक नहीं दे रही। क्योंकि एक ओर चीन की भारत के साथ कमांडर स्तर की बातचीत जारी थी और दूसरी ओर उसकी सेना एलएसी पर उकसाने वाली हरकतों से बाज नहीं आई। आरोप है कि बातचीत से ठीक पहले चीन के फाइटर जेट एलएसी के बेहद करीब उड़ान भर रहे थे, लेकिन वहां पहले से मुस्तैद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने तुरंत एक्शन में आते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया और वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने साफ कर दिया कि चीन की किसी भी साजिश का आगे भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वी आर मॉनिटरिंग इट एंड वी टेक इमीडिएट एक्शन बाय स्क्रैम्बलिंग आवर फाइटर्स देयर। मतलब ये कि लद्दाख में भारतीय फौज ने चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अपनी तैयारी बढ़ा दी है, जिसके लिए भारतीय फौज के सबसे घातक फाइटर जेट एलएसी पर तैनात किए जा चुके हैं, जो दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी उड़ान भर रहे हैं। तैयारी ऐसी है जैसे जंग होने ही वाली हो। और भारत की ओर से इस तैयारी की शुरुआत करीब 2 साल पहले गलवान में हुई हिंसा के बाद ही शुरू कर दी। वायुसेना प्रमुख के मुताबिक जून 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास भारतीय वायुसेना ने अपने रडार तैनात करने शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे इन सभी रडार को इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम से जोड़ दिया गया, उनकी जिनकी मदद से एलएसी के पास चीन की किसी भी हरकत पर नजर रखना आसान हो गया। और अब तो खबर है कि भारत ने एलएसी के पास अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान रफाल और सुखोई 30 भी तैनात कर दिए, ताकि अगर चीन ने कोई भी नई चाल चली तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके।